बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का पर्चा वायरल होने के मामले ने एक बार फिर से बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की सरकार की तमाम दावों के बीच बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का परिचय वायरल होने के मामले में नीतीश सरकार चौतरफा घिरने लगी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कुख्यात नालंदा मॉडल स्थापित किए हैं कि हर स्कूली और विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा चयन आयोग समेत सभी परीक्षाओं का पर्चा लीक करना और कराना शासकीय परंपरा का हिस्सा बना दिया गया है। नीतीश जी, सब कुछ आपका गृह जिला नालंदा नहीं है। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र राजधानी पटना और अन्य जिलों में लीक होने की चर्चा है। बीएसएससी की परीक्षा शनिवार के दिन दो पालियों में हुई, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही इसका प्रश्न पत्र वायरल होने लगा। इस मामले में अलग अलग केंद्रों में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बीएसएससी ने पेपर लीक होने की बात को लेकर इनकार किया है। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि जो प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। गौरतलब है कि जनवरी 2017 में भी परीक्षा पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन IAS सुधीर कुमार और तत्कालीन सेक्रेटरी परमेश्वर राम गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन एक बार फिर इस परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने की चर्चा ने सियासत को उगरमा दिया है। बीएसएससी अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि वायरल प्रश्न पत्र के बाबत आयोग से किसी ने शिकायत नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने सभी जिला अधिकारियों और SSP को पूरे मामले की जांच कर दोषी केंद्र अधीक्षकों और कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। जिस केंद्र से अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लेकर भागे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि प्रश्न पत्र आयोग को अभी प्रश्न पत्र नहीं मिले हैं। केंद्रों से 11 दिसंबर को प्रश्न पत्र आयोग पहुंचेंगे। वायरल प्रश्न पत्र सही है या गलत, इसकी जानकारी मूल पेपर देखने के बाद ही आयोग देगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर जैवर लगे रहने के कारण आसपास के घरों में भी मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने रविवार को कई केंद्राधीक्षकों से की। केंद्राधीक्षकों ने बताया कि केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल नहीं हो, इस कारण जैवर की रेंजिंग बढ़ा दी गई है। इस कारण आसपास के कुछ लोगों को परेशानी हुई। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।